ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय प्रथम कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण श्लोक संख्या 30 पृष्ठ संख्या 43। मेरे पीछे बोलिए। न चाशक्नोम व्यवस्था तुम भ्रमती वच मे मन निमित्ताने च पश्यामि विपरीतानि केशव। भगवान कह रहे हैं, नहीं भगवान नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? अर्जुन। अर्जुन कह रहे हैं, न चा शक्नोम व्यवस्था तुम भ्रमति विच मे मनहा। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं यहां खड़ा रहने में असमर्थ हूं, भ्रमति विच मे मनहा, और मेरा मन भ्रमित जैसा हो रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे कृष्ण, मुझे तो केवल विपरीत निमित्त दिखाई दे रहे हैं, कारण जो भी कारण है युद्ध के वो सब विपरीत दिखाई दे रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ थे, और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उन्हें आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीय भिन्न वेशता स्यात्, भागवत 11:2-37। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी, वे शत्रुओं पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होंगे। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी को भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहे हैं। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है, बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उनकी विजय केवल उनके शोक का कारण बन सकती है। तो यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे जो मेरा लेख छपा था भगवत दर्शन में, श्री भगवान ने कहा। तो 29वां भाग है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, इसमें कुछ ज्यादा गहराई से समझाया गया तात्पर्य। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष अपनी दुर्बलता का वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक के पद नचा सक्रोम व्यवस्था तुम का अर्थ है कि अब मैं खड़ा रहने में असमर्थ हूं, यह शारीरिक दुर्बलता का लक्षण है। तथा इस श्लोक के दूसरे पद भ्रमतीव चमे मनहा का अर्थ है कि मेरा मन भ्रमित जैसा हो रहा है, यह मानसिक दुर्बलता का लक्षण है। देखा शरीर की दुर्बलता कि मैं खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूं, और फिर मन की दुर्बलता क्या चक्कर आ रहा है ना? चक्कर आ रहा है मानसिक दुर्बलता, ये मानसिक दुर्बलता का लक्षण है। इस प्रकार अर्जुन अपने शरीर और मन दोनों में ही दुर्बलता का अनुभव कर रहे हैं। यदि गहराई से देखा जाए तो अर्जुन के मन की दुर्बलता ही के कारण उनका शरीर दुर्बल हो रहा है, ठीक है ना? जो खड़ा नहीं रह पा रहे हैं, इसमें वास्तव में शरीर की दुर्बलता नहीं है, ये मन की ही दुर्बलता के कारण शरीर क्या हो गया है, दुर्बल हो गया है, ये खड़ा नहीं रह पा रहे हैं। परंतु मन की दुर्बलता का कारण क्या है? मन की दुर्बलता का कारण मन का भ्रमित होना है। अर्जुन ने क्या कहा? भ्रमतीव च मे मनः। यहां पर अर्जुन का मन भ्रमित हो रहा है। भ्रमित कैसा हो रहा है? भ्रमित
देखिए, जिस प्रकार कोई मथानी अपने चारों ओर लिपटी हुई रस्सी के एक सिरे के खींचे जाने के कारण एक ओर से भ्रमित होती है तथा रस्सी के दूसरे सिरे के खींचे जाने के कारण दूसरी ओर से भ्रमित होती है, ये मन जो भ्रमित हो रहा है कैसे हो रहा है, मथानी की तरह। मथानी जो भ्रमित होती है ना, तो एक तरफ से नहीं भ्रमित होती है, पहले ऐसे फिर ऐसे, आप समझे ना। हाँ, जब रस्सी खींची जाती है ना, एक तरफ से रस्सी खींची जाती है तो मथानी इधर घूमेंगी, फिर दूसरी रस्सी खींची जाएगी तो मथानी उधर घूमेगी, है ना। तो दोनों तरफ से घूमती है मथानी, है ना। तो अर्जुन का जो मन घूम रहा है ना, कैसा घूम रहा है, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से, ऐसे है? मथानी की तरह घूम रहा है अर्जुन का मन। उसी प्रकार अर्जुन का मन दोनों ओर भ्रमित हो रहा है, दोनों ओर। यदि अर्जुन के मन की तुलना मथानी से की जाए तथा क्षत्रिय स्वभाव के कारण उनकी युद्ध करने की इच्छा मथानी में लिपटी रस्सी के एक सिरे से की जाए, हाँ, क्षत्रिय का स्वभाव है तो युद्ध करने की इच्छा भी है, तो एक रस्सी तो ये हो गई, है ना। और दूसरी रस्सी क्या है, अपने परिवार के मोह के कारण उनकी युद्ध न करने की इच्छा रस्सी के दूसरे सिरे से की जाए, है? कितना अच्छा उदाहरण है, है? रस्सी का एक सिरा है, इधर से खींचता है तो मथानी इधर घूमती है, फिर दूसरे सिरे से रस्सी खींचती है तो मथानी उधर घूमती है, है ना। एक तरफ मोह है तो युद्ध नहीं करना, एक तरफ क्षत्रिय का स्वभाव है युद्ध करना है, तो मन ऐसे घूमता है, युद्ध नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, इधर, फिर युद्ध करना है, युद्ध करना है, युद्ध करना है, उधर, तो उधर खींचता है, तो ऐसे घूमता है, फिर ऐसे घूमता है, फिर ऐसे घूमता है, इस प्रकार से अर्जुन का मन घूम रहा है। हाँ, तो हम समझ सकते हैं कि अर्जुन का मन मथानी के समान दोनों ही ओर से भ्रमित हो रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्जुन का मन दोनों ही इच्छाओं के बीच में फंसा हुआ है, कैसा, मथानी की तरह। दो इच्छाएं हैं अर्जुन की, तथा दोनों इच्छाएं प्रबल हैं, क्षत्रिय का स्वभाव भी बहुत प्रबल है, तो युद्ध क्यों नहीं करूंगा, करूंगा, और मोह भी बहुत प्रबल है, युद्ध कैसे कर सकता हूं, नहीं करूंगा। दोनों प्रबल इच्छाएं, रस्सी दोनों तरफ से मजबूत रस्सी है, इधर से खींचती तो मथानी ऐसे घूम जाती है, उधर खींचती रस्सी तो उधर घूम जाती मथानी, है ना। इस प्रकार से दोनों इच्छाएं प्रबल हैं, क्षत्रिय का प्रबल स्वभाव होने के कारण अर्जुन इस युद्ध को कदापि नहीं छोड़ सकते, कभी छोड़ा नहीं जीवन में युद्ध, कैसे छोड़े, क्षत्रिय का स्वभाव बहुत प्रबल है, परंतु अपने परिवार के प्रति प्रबल मोह के कारण अर्जुन को यह युद्ध छोड़ना पड़ रहा है, मोह भी बहुत प्रबल है, कोई कमजोर नहीं हो रहा है, दोनों तरफ से प्रबल इच्छा हो रही है, दोनों तरफ की इच्छा। गीता के 18वें अध्याय के 60वें श्लोक में भी इस बात की पुष्टि हुई है, उस श्लोक में भगवान ने कहा है, तुम जिस युद्ध को मोह बस नहीं करना चाहते हो, उस युद्ध को अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बंधे होने के कारण विवश होकर करोगे। 18वें अध्याय का 60वां श्लोक, भगवान कहते हैं, स्वभाव जेन कौन देन बद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच यन्म वहा कर शिष्य विशोपित। इस प्रकार अर्जुन के ऊपर दो प्रकार के बंधन है, मथानी, मथानी दोनों तरफ से बंधी है, पहला क्षत्रिय स्वभाव का बंधन और दूसरा पारिवारिक मोह का बंधन, दो बंधन। परंतु उक्त श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन का क्षत्रिय स्वभाव अत्यंत प्रबल है तथा अर्जुन के मोह के बावजूद भी अर्जुन को युद्ध करना पड़ेगा, मोह तो है प्रबल, क्षत्रिय स्वभाव और ज्यादा प्रबल है, इसलिए भगवान क्या कहते हैं, कर तुम नेचियन मोहा, तुम मोह के कारण नहीं करना चाहते हो लेकिन करोगे, क्यों, क्षत्रिय का स्वभाव ज्यादा प्रबल है तुम्हारा। अभी तो तुमको लग रहा है कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, मोह है, लेकिन जैसे ही चुनौती देगी है, अर्जुन डर गए ना, अब डर लग गया, हमारी सेना देखी, हमारी शक्ति देखी, तो तुम अब तुमको डर लग रहा है, तो अर्जुन कहेंगे क्या कहा, अच्छा मैं डर रहा हूं, अभी दिखाता हूं तुमको।
फिर मोह छू मंतर हो जाएगा, उठाएंगे अपना दर्जमा, देखता हूं कैसी तुम्हारी शक्ति है। तो भगवान कहते हैं मोह के कारण तुम नहीं करना चाहते हो, क्षत्रिय स्वभाव इतना प्रबल है, करोगे तुम युद्ध, तुम नहीं सह पाओगे। हाँ, किसी ने जरा सी बात कह दी, अच्छा अब डर लग रहा है, जब तक सेना को नहीं देखा था हमारी, तब तक जो है ना बहुत युद्ध की तैयारी कर रहे थे, अब हमारी सेना देख करके अब पता चला है तुमको हमारी शक्ति का, तो अर्जुन तुरंत खून खोल जाएगा, क्षत्रिय स्वभाव का खून है। अर्जुन अर्जुन फिर क्या कहेंगे, अरे शिव जी के सामने भी मैंने नहीं डरा था युद्ध करने के लिए, स्वर्ग में जो देवताओं को डराने वाले निवात कवच नाम के असुर थे, उनके सामने अकेले मैं नहीं डरा था, विराट नगर में ये पूरी सेना जो थी है ना उसके सामने मैं नहीं डरा था, तो अभी क्या डरूंगा। तो अर्जुन जो है छत्र स्वभाव बहुत प्रबल है अर्जुन का, और भगवान जानते हैं इस बात को, अर्जुन को पता नहीं है। अर्जुन कहते नहीं नहीं किसी प्रकार से मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो आगे गीता के 6वें अध्याय में भगवान मन के विषय में अनेक प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। अब ये मन है, क्योंकि अर्जुन ने मन की बात कही है, तो अब मन के बारे में हमने कुछ और चर्चा की है। 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। 6वें अध्याय का 5वां श्लोक, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मे भ्यात्मनो बंधुर आत्मे विपुरात्मना। फिर 6वें श्लोक में भगवान कहते हैं जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। इसके अच्छा ये श्लोक कहता है बंधुरात्मात्मनस्तस्य ये नात्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। श्लोक है जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो। इन बातों से पता चलता है कि आध्यात्मिक जीवन में मन का अत्यंत महत्व है। श्रील प्रभुपाद ने मन के विषय में अमृत बिंदु उपनिषद का एक मंत्र उद्धृत किया है। वो मन के वो श्लोक क्या है या मंत्र क्या है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषय संगो मुक्ते निर्विषयम मनः। अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावना व्रत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। आगे श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में भगवान ऋषभदेव के चरित्र में ये वर्णन आता है कि यद्यपि उनके समक्ष सभी प्रकार की योग सिद्धियां आई परंतु उन्होंने उन योग सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। इस बात पर परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान ऋषभदेव ने अपनी सेवा में आई हुई योग सिद्धियों को क्यों नहीं स्वीकार किया। इस प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ऋषभदेव ने योगियों को यह शिक्षा देने के लिए कि अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए योग सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। यद्यपि योगीगण अपने मन को जीत लेते हैं परंतु फिर भी यदि वे योग सिद्धियों के चक्कर में फंस जाते हैं तो उनका मन उन्हें फिर से धोखा देता है। इस संबंध में सुखदेव गोस्वामी ने दो उदाहरण दिए हैं। पहला है जिस प्रकार चालाक बहेलिया पशुओं को पकड़ने के बाद उन पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वो भाग सकते हैं, उसी प्रकार महापुरुष अपने मन पर भरोसा नहीं करते। निस्संदेह भी सदा जागरूक रहकर मन की गति को परखते रहते हैं। इस उदाहरण में
मन की तुलना एक जंगली पशु से की गई है। कभी कभी शिकारी लोग किसी जंगली पशु को घायल करके गिरा देते हैं तथा यह सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि अब यह पशु कहीं भी भाग नहीं सकता, परंतु यदि वह पशु गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है तो वह शिकारी की असावधानी का लाभ उठाकर जंगल में भाग जाता है तथा पुनः उस पशु को जंगल में ढूंढना तथा पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है। अगर पशु जंगल का पशु है और जंगल में अगर भाग जाए तो फिर नहीं ढूंढ सकते ना पकड़ सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन उसने तो क्या विश्वास कर लिया कि अरे मैंने तो उसको घायल कर दिया है, अब कहां जाने वाला है, लेकिन वो भाग जाता है। उसी प्रकार जो गैर अनुभवी योगी है वे योग सिद्धियों के चक्कर में फंसकर अपने जीते हुए मन के प्रति असावधान हो जाते हैं तथा उनका मन उन्हें धोखा देकर इस संसार रूपी जंगल में फिर घुस जाता है। समझे, ये मन क्या है, इस संसार रूपी जंगल का पशु है। इसको आपने पकड़ा है ना और घायल करके गिरा दिया, अब आपने सोचा कि अरे आप तो बस घायल हो गया, आप कहां भाग जाएगा, लेकिन वो मौका देख करके भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ठीक से बांधा नहीं उसको। पशु को घायल करने के बाद भी ठीक से बांध देते हैं शिकारी लोग, अगर नहीं बांधते हैं तो वो भाग जाएगा। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार घायल पशु यदि भागकर जंगल में घुस जाए तो उसे ढूंढना तथा पकड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है, उसी प्रकार गैर अनुभवी योगी का जीता हुआ मन भी यदि उसकी असावधानी के कारण इस संसार रूपी जंगल में घुस जाता है तो उसे फिर पकड़ना तथा वश में करना अत्यंत कठिन हो जाता है। यहां पर निपुण योगी की तुलना एक चालाक शिकारी से की गई है। जो योगी है वो चालाक शिकारी की तरह है। जिस प्रकार एक चालाक शिकारी घायल पशु पर विश्वास ना करके उसे अच्छी प्रकार से बांध लेता है, उसी प्रकार निपुण योगी भक्ति योग की रस्सी के द्वारा अपने मन को भगवान के चरणों में बांध लेते हैं। अगर अच्छे शिकारी हो आप तो मन रूपी पशु को घायल करके विश्वास मत करो, इसको बांधना है। किससे? भक्ति की रस्सी से बांध करके भगवान के चरणों से बांधो। भगवान के चरण क्या है? खंभा, ठीक है ना। आपका मन है पशु है? और रस्सी क्या है? भक्ति की रस्सी। और खंभा क्या है? भगवान के चरण खंभे हैं। तो मन को बांधो खंभे से है? और मजबूत खंभा होना चाहिए ना, है ना। जिस प्रकार चालाक शिकारी जंगली पशु को जब तक मजबूत रस्सी के द्वारा बांध नहीं लेता तब तक वह दूसरे कार्यों में नहीं फंसना चाहता, है ना। शिकारी दूसरे काम में नहीं फंसेगा कि भाई दूसरे पहले वो काम कर लूं और ये पशु को बाद में बांधूंगा, ये पशु भाग जाएगा। ये मन जो है ना भाग जाएगा। उसी प्रकार निपुण योगी जब तक भक्ति की रस्सी के द्वारा अपने मन को भगवान के चरणों में बांध नहीं लेता तब तक वह योग सिद्धियों के चक्कर में नहीं फंसता। यहां योग सिद्धियों के चक्कर में फंसे और ये मन भागा आपका और गया संसार में। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति चाहे कर्म योगी हो या ध्यान योगी हो या ज्ञान योगी हो, परंतु जब तक वह भक्ति योग के धरातल पर नहीं आ जाता तब तक उसे अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब योगी देखता है कि उसका मन भगवान के चरणों में आसक्त हो गया है तथा उसके मन को भक्ति के रस का आस्वादन मिलने लगा है तो वह निश्चिंत हो जाता है। ऐसी स्थिति में योगी का मन भगवान के चरणों को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। यह उसी प्रकार है कि जिस प्रकार किसी जंगली पशु को बंधे हुए रहकर अच्छी प्रकार से भोजन पानी मिलने लगता है तो वह उसी बंधन में ही रहना चाहता है। अब उसको जरूरत ही नहीं जाने की, वो अपना मजा ले रहा है, बंधा बंधा अपना खाता है पीता है सोता है, तो क्या जरूरत है, है ना। ऐसी स्थिति में ये मन हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। इस संबंध में गोपियों का धारण अत्यंत उपयुक्त है। हाँ, तो मन पशु की तरह है और भक्ति का रस जब मिलने लगता है मन को तो फिर जो है ना वो भगवान के चरणों में बंधा रहना चाहेगा, अब वो नहीं चाहेगा जंगल में जाना, तो इसमें मजा आ रहा है तो अब ये मन जो है ना फिर
बंधा रहेगा भगवान के चरणों में, बस ठीक है। गोपियों का धर्म अत्यंत उपयुक्त है। गोपियों का मन श्री कृष्ण के चरणों में इतना अधिक आसक्त है कि वे यदि अपने मन को श्री कृष्ण से हटाना भी चाहें तो भी वे हटा नहीं सकती। वे हटाना चाहती मन को तो उनका मन नहीं हटता है। हाँ, जबकि हम अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगाना चाहते हैं तो भी वह संसार के विषय भोगों में चला जाता है। हमारे मन का यह हाल है और गोपियों के मन का हाल दूसरा है। यदि श्री कृष्ण के चरणों की तुलना कमल से की जाए तथा गोपियों के मन की तुलना भ्रमर से की जाए तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार भ्रमर कमल के मधु में आसक्त हो जाता है उसी प्रकार गोपियों का मन श्री कृष्ण के चरणों में आसक्त है। का है कि मन की तुलना की गई जंगली पशु से। अब दूसरा उदाहरण क्या है मन का, दूसरा है जिस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों के बहकावे में आकर कभी कभी अपने पति का वध कर देती है, उसी प्रकार यदि योगी अपने मन के ऊपर संयम नहीं रखता और उसे छूट प्रदान करता है तो वो एक प्रकार से काम क्रोध तथा लोभ जैसे शत्रुओं को आश्रय देता है जो सचमुच ही योगी का सर्वनाश कर देंगे। इस उदाहरण में योगी के अनियंत्रित मन की तुलना व्यभिचारिणी स्त्री से की गई है। कभी कभी यह देखा जाता है कि किसी व्यक्ति की पत्नी अत्यंत सुंदर होती है तथा वह व्यक्ति अपनी पत्नी पर ना तो नियंत्रण ही रखता है और ना ही उसे अच्छे चरित्र का प्रशिक्षण ही देता है। ऐसी स्थिति में यदि वो स्त्री कुछ निठल्ले बदमाशों के चक्कर में आ जाए तो वह व्यभिचारिणी हो जाती है तथा कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह स्त्री अपने निठल्ले बदमाशों के बहकावे में आकर अपने पति की ही हत्या कर देती है तथा कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह अपने पति की हत्या करके उन बदमाशों के साथ भाग जाती है। इस उदाहरण से यह पता चलता है कि जिस प्रकार एक पति को अपने सुंदर पत्नी की सदा रक्षा करनी चाहिए तथा उसे अच्छे चरित्र का प्रशिक्षण देना चाहिए उसी प्रकार योगी को हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा अपने मन की रक्षा करनी चाहिए तथा कृष्ण कथा के श्रवण के द्वारा अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? जिस प्रकार उचित रक्षा तथा प्रशिक्षण के बिना कोई स्त्री अन्य बदमाशों के संसर्ग में दूषित हो जाती है उसी प्रकार हरे कृष्ण मंत्र का जाप न करने पर तथा कृष्ण कथा न सुनने से मन की स्त्री काम क्रोध लोभ आदि बदमाशों के संसर्ग में दूषित हो जाती है। जिस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों के बहकावे में आकर अपने पति की शत्रु बन जाती है उसी प्रकार काम क्रोध लोभ आदि शत्रुओं से मित्रता करने के कारण योगी का मन योगी का शत्रु बन जाता है। कितना अच्छा उदाहरण है कि मन जो है योगी का शत्रु बन जाता है ना। ये स्त्री के समान है, जो निठल्ले बदमाश है उनके चक्कर में आके अपने पति की दुश्मन बन जाती है स्त्री, तो मन जो है ना दूषित हो जाता है काम क्रोध के चक्कर में तो अपना ही दुश्मन बन जाता है ना। इससे हमें पता चलता है कि मन कभी भी अपने आप शत्रु नहीं बनता, बल्कि जब मन काम रूपी शत्रु के संपर्क में आता है तब ये हमारा शत्रु बनता है ना। इसका अर्थ हुआ कि असली शत्रु तो काम ही है, असली शत्रु तो काम ही है। इसलिए भगवान ने गीता के तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में काम क्रोध को ही शत्रु बतलाया है। मन को तो भगवान ने कहा है कि शत्रु भी है मित्र भी है, लेकिन ये काम ये नित्य शत्रु है। ज्ञानेन नित्य वैरिणा, ये नित्य शत्रु है तो शत्रु ही हमेशा। मन अगर इसके संपर्क में आ जाए तो मन भी शत्रु बन जाता है ना। तो मन तो शत्रु बन जाता है इसके संपर्क में आने से, है ना। नहीं तो मन शत्रु नहीं बनता अपना ना। शत्रु असली शत्रु तो यही काम है। इसलिए भगवान ने गीता के तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में काम क्रोध को ही शत्रु बताया है। इसके आगे 39वें श्लोक में भगवान ने कहा है ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, अर्थात ये काम क्रोध ज्ञानियों के नित्य शत्रु हैं। इसका अर्थ है कि ऐसा समय कभी भी नहीं आएगा कि ये काम क्रोध आदि शत्रु हमारे मित्र बन जाएंगे। जबकि 6वें अध्याय में भगवान ने मन को शत्रु अवश्य कहा है परंतु उन्होंने मन को नित्य शत्रु नहीं कहा।
नित्य वैरिणा, जैसे काम को कहा नित्य वैरिणा, तो मन को नित्य शत्रु नहीं कहा, भगवान ने कहा है कि मन आपका शत्रु भी है तथा मित्र भी है। आत्मे भी आत्मनो बंधुर आत्मे विपुर आत्मना। तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि काम शत्रु के निवास स्थान इंद्रियां मन तथा बुद्धि हैं। इसका अर्थ हुआ कि जब काम शत्रु इंद्रियों मन तथा बुद्धि में निवास करता है तो उस समय हमारी इंद्रियां मन तथा बुद्धि हमारे शत्रु बन जाते हैं। तो वास्तव में शत्रु जो है ना ये क्या काम, परंतु जिस समय हम अपनी इंद्रियों मन तथा बुद्धि पर अपना अधिकार करके काम शत्रु को भगा देते हैं तथा अपनी इंद्रियों मन तथा बुद्धि को श्री कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं तो यही इंद्रियां मन तथा बुद्धि हमारी मित्र बन जाती हैं। अतः यही बात निश्चित होती है कि असली शत्रु काम ही है। तो इस उदाहरण के अनुसार यदि स्त्री बदमाशों के संपर्क में आकर व्यभिचारिणी हो जाती है तो उस स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार जब तक मन काम क्रोध आदि शत्रुओं के संपर्क में दूषित रहता है तब तक योगी को अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार जार पुरुषों के बहकावे में आकर व्यभिचारिणी स्त्री अपने पति की कभी कभी हत्या भी कर देती है, उसी प्रकार काम क्रोध आदि शत्रुओं के संपर्क में आकर योगी का मन योगी का ही सर्वनाश कर देता है। अथवा ऐसा भी होता है कि व्यभिचारिणी स्त्री उन बदमाशों को ही सुविधा प्रदान करती है कि वे घर में घुसकर उसके पति की हत्या कर देते हैं। उसी प्रकार ये दूषित मन ही काम क्रोध शत्रुओं को अवसर प्रदान करता है कि वे योगी का सर्वनाश कर देते हैं। तो मन ही अवसर देता है। जिस प्रकार से किसी व्यभिचारिणी स्त्री को कठोर आध्यात्मिक साधना में लगाकर पवित्र किया जाता है, उसी प्रकार मन को भी कठोर आध्यात्मिक साधना में लगाकर पवित्र करना चाहिए। आगे इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं निमित्तानि तपस्यामि विपरीतानि, अर्थात जिन निमित्तों से हम युद्ध कर रहे हैं वे भी उल्टे ही हैं। प्रत्येक कार्य के पीछे कई कारण होते हैं, परंतु फिर भी इन्हें मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला है निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। आप समझे, कोई भी कार्य होता है तो उसके दो कारण हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। इस युद्ध के निमित्त कारण है आपसी कलह, राज्य सुख तथा भोगों की इच्छा आदि, ये निमित्त कारण। तथा इस युद्ध के उपादान कारण है दोनों पक्षों की सशस्त्र सेनाएं तथा हथियार आदि, उपादान कारण। तो यहां पर अर्जुन का कहना है कि इस युद्ध के जो निमित्त कारण है वे अच्छे नहीं है, क्योंकि हम राज और सुख के लोभ से ही युद्ध कर रहे हैं। परंतु जब हमें ये राज सुख भोग आदि प्राप्त होंगे तो समय हमें ये सभी वस्तुएं अपने संबंधियों के खून से सनी हुई दिखाई देंगी। चूंकि युद्ध का परिणाम अत्यंत भयंकर दिखाई दे रहा है, इसलिए अर्जुन ने यहां पर श्री कृष्ण को केशव शब्द से पुकारा है। क्या अर्जुन ने कहा, निमित्तानि तपस्यामि विपरीतानि केशव। अब अर्जुन ने जिन कारणों से श्री कृष्ण को केशव नाम से पुकारा है उन कारणों पर हम विचार करेंगे। बहुत अच्छा इसमें जो है केशव की व्याख्या है, छह प्रकार की व्याख्या है। अब देखिए पहली केशव की व्याख्या, अर्जुन ने केशव क्यों कहा भगवान को। पहला कारण, वर्ष भर में जो 12 महीने होते हैं उनमें से प्रत्येक महीने को भगवान के किसी विशिष्ट नाम से जोड़ा जाता है। जिस दिन महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तथा भगवद गीता के रूप में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद हुआ वह अग्रहायण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। शुक्ल पक्ष, क्योंकि अग्रहायण के महीने को केशव मास बोला जाता है, ठीक है ना, दामोदर मास। ये कार्तिक मास कहलाता है दामोदर मास, और कार्तिक के बाद अग्रहायण केशव मास कहलाता है, ठीक है ना। तो केशव मास बोला जाता है। अतः अर्जुन का भाव था कि हे केशव, आपके इस नाम के महीने में ऐसा भयानक परिणाम वाला युद्ध क्यों हो रहा है। इसलिए अर्जुन ने कहा केशव कि ये आपके नाम का महीना है तो इसमें भयानक परिणाम वाला युद्ध क्यों हो रहा है। तो अर्जुन ने कहा है हे केशव। अच्छा दूसरा केशव नाम का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने केसी नामक असुर का वध किया,
अर्जुन का भाव था कि हे केशव, आपने तो केसी नामक असुर का वध किया था, फिर मुझसे आप मेरे अपने ही परिवार का वध क्यों करा रहे हैं? ठीक है, अर्जुन का ये मतलब है कि आपने तो केसी का वध किया है, फिर मुझसे आप ये सब काम क्यों करा रहे हैं, ये परिवार का वध क्यों करा रहे हैं? तीसरा, केशव का अर्थ है वह पुरुष जिसके केश वक्र हैं, घुंघराले अर्थात घुंघराले हैं। श्री कृष्ण के बाल घुंघराले काले तथा अत्यंत चिकने हैं। इन बालों से घिरा हुआ श्री कृष्ण का मुख अत्यंत सुंदर लगता है, परंतु अर्जुन की शिकायत है कि हे केशव, जिस प्रकार आपके बाल घुंघराले अर्थात टेढ़े हैं, उसी प्रकार से आप मुझसे भी टेढ़ा कार्य करवा रहे हैं। ठीक है केशव। चौथा, का अक्षर का अर्थ है ब्रह्मा और ईश का अर्थ है शिव तथा वा अक्षर का अर्थ है बपु अर्थात शरीर। इस प्रकार का, ईश और बपु से जो शब्द बनता है वह केशव है। इस प्रकार केशव का अर्थ हुआ वह पुरुष जिसके शरीर में ब्रह्मा तथा शिव का निवास है। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण की पूजा से ब्रह्मा तथा शिव की पूजा अपने आप हो जाती है, उनके अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अर्जुन का भाव है कि हे केशव, यदि आपकी इच्छा है कि युद्ध हो तो ब्रह्म और शिव जी भी इस युद्ध को रोक नहीं सकते। क्या समझे अर्जुन? ये कह रहे हैं केशव, ब्रह्मा शिव भी नहीं रोक पाएंगे अगर आप युद्ध कराना चाहते हो तो। चौथ पांचवा, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने केशव शब्द का एक ऐसा भी अर्थ बताया है जो केवल श्री कृष्ण के ही लिए लागू होता है। यह अर्थ श्री कृष्ण के किसी अन्य अवतार के लिए लागू नहीं होता। इसके पहले केशव शब्द के जितने अर्थ थे वे श्री कृष्ण के अन्य अवतारों के लिए भी लागू होते थे, परंतु यह नवीन अर्थ केवल श्री कृष्ण के ही लिए है। चक्रवर्ती जी बतलाते हैं कि केशव का अर्थ है वह पुरुष जो अपनी प्रिया का केश विन्यास करे। श्री कृष्ण के विषय में बतलाया जाता है कि वे श्री राधा रानी के केशों में पुष्पों की सजावट करते हैं। ये श्री कृष्ण की अति मधुर लीला है। यहाँ पर अर्जुन का भाव है कि हे केशव, आश्चर्य है कि आप अत्यंत मधुर लीलाओं में आसक्त होते हुए भी युद्ध की अत्यंत भयानक लीला करने में भी निपुण है। केशव का ये मतलब। फिर छठवां, केशव व्याख्या क्या है? श्री जयदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण को केशव नाम से संबोधित किया है, जो समस्त अवतारों के कारण है। अतः अर्जुन का यहां पर भाव है कि हे केशव, आपके समस्त अवतार पृथ्वी का भार उतारने, असुरों का विनाश करने तथा साधुओं की रक्षा करने के लिए होते हैं। संभवतः इस युद्ध के आयोजन में भी आपका यही उद्देश्य होगा। क्या? पृथ्वी का भार उतारना है, असुरों का विनाश करना है, साधुओं की रक्षा करना है। तो जितने भी अवतार आपके हैं अगर इसीलिए होते हैं तो शायद इसमें भी यही आपका उद्देश्य हो सकता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो कृष्ण में निहित है। इससे यही बात स्पष्ट होती है कि प्रत्येक जीव को श्री कृष्ण की उसी प्रकार से शरण ग्रहण करना चाहिए जिस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। हरे कृष्णा। तो ये लेख पूरा हमने पढ़ा है, और अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है कि जीवात्मा काम के संपर्क में कैसे आ जाता है। तो ये कह रहे हैं कि पहले काम की परिभाषा बताएं, काम की परिभाषा क्या है। काम की परिभाषा कृष्णदास कविराज बताते हैं, क्या है? निज इंद्रिय प्रीति वांछा धरे काम नाम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो प्रेम और काम जो है बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन अंतर क्या है? कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति की जो इच्छा है वो है प्रेम, और अपनी इंद्रियों की प्रीति की इच्छा है काम, है ना? और फिर यही जो इंद्रिय तृप्ति का विस्तृत रूप क्या है? देशभक्ति, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, मानवतावाद, है ना? ये सब जो है ना इंद्रिय तृप्ति का ही एक विस्तार है, जिसमें लगता है कि भाई व्यक्ति तो बहुत बड़ा त्याग कर रहा है,
है कि नहीं। जैसे महात्मा गांधी को कहा जाता है भाई बहुत बड़े महात्मा हैं, उन्होंने तो बहुत त्याग का अपने सब इंद्रिय तृप्ति का त्याग करके क्या उन्होंने भारत को आज़ादी दिलवाई। लेकिन इसमें भी क्या है, इंद्रिय तृप्ति ही है, इंद्रिय तृप्ति का विस्तार है क्या कि भाई हमारे भारतवासी इंद्रिय तृप्ति करें, आज़ाद भारत को आज़ाद कराने की जो इच्छा है वो क्या है कि भाई भारत आज़ाद हो जाए, मतलब भारत के वासी बिना किसी बाधा के इंद्रिय तृप्ति करें, खाएं सोएं भोग करें सुरक्षा करें, यही। तो इस प्रकार से काम जो है कई रूपों में होता है, जहाँ लगता है कि भाई बहुत महान है बहुत बड़े त्यागी हैं, लेकिन वो भी काम ही है। जब तक कृष्ण के चरणों में ये समर्पित ना हो है, कामम तो दास से न तो काम कामे या अमृत महाराज ने काम को लगाया भगवान की सेवा में, कैसा उनकी सेवा कृष्ण की दासता में अपने काम को लगाया है ना। तो ये जो ना काम की परिभाषा है, तो यही काम जो है क्या है, प्रेम बन जाता है और प्रेम से काम बन जाता है, है? जो जीव के अंदर जो स्वाभाविक प्रेम है कृष्ण के प्रति, तो यही भौतिक प्रकृति के संसर्ग में क्या दूषित हो जाता है और काम बन जाता है। और भौतिक प्रकृति के संसर्ग से जब अपने को व्यक्ति जो है दूर कर लेता है, तो फिर वही काम जो है फिर क्या बन जाता है, कृष्ण प्रेम बन जाता है ना। तो फिर काम जो है रजोगुण समुद्र भगवान ने क्या कहा है, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्र भवा, रजोगुण से उत्पन्न होता है ना। तो जब जीव जो है गुणों का संग करता है, तो जिस गुण का संग करता है उस गुण से बंध जाता है कि नहीं। तो उस गुण के परिणाम फिर उसको भोगने पड़ते हैं। तो जब कोई जीव जो है ना रजोगुण का संग करता है, तो रजोगुण से उत्पन्न काम है, अब उसको जो है ना काम से बंधना पड़ता है ना, रजोगुण संबंध हुआ। और फिर से कैसे मुक्त हुआ जाए, तो भगवान ने बताया कि इंद्रियां मन और बुद्धि ये काम के स्थान है ना। और सबसे पहले तस्मा तुम इंद्रियां नहीं आदो नियम में भरता रहो, सबसे पहले इंद्रियों को बस में करो। पाप मानम प्रजहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, इस पापी को नष्ट करो, ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है ना। इनका प्रश्न कि जब इंद्रियों के विषय सामने आते हैं तो भक्त को उनका उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो विवसितो तयोर्नवसमागच्छेत्तो यस्य परिपन्थिनो, राग और द्वेष है इंद्रियों में जो है, राग और द्वेष हमेशा रहता है इंद्रिय के विषयों के प्रति, राग और द्वेष है ना, इनके वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही जो है ना परिपंथी है, मतलब रास्ते से भटकाने वाले हैं राग और द्वेष। राग और द्वेष का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको राग है क्या देखने में, बाहर जो है सिनेमा देखने में, तो ये आपकी इंद्रिय का जो है ना इस विषय में अनुराग है, राग है, है कि नहीं। तो इंद्रिय तो जो आपकी दृश्य इंद्रिय है उसमें राग है, सिनेमा देखना चाहते हैं, है कि नहीं, या और भी कई तरह के नाटक है या जो है ना डांस वगैरह है वो देखना चाहते हैं, तो ये राग है, इसके बस में नहीं आना चाहिए, है ना। और फिर द्वेष क्या है, द्वेष साधु संत हैं भक्त हैं, है ना, तो उनको देखने में द्वेष होता है, मैं इनको नहीं देखना चाहता हूँ। जैसे कि अष्टावक्र मुनि बहुत क्रूर थे, है ना, तो कोई गंधर्व था जो हंसा था, जो फिर उसको बनना पड़ा, क्या बनना पड़ा, अघासुर नाम का सर्प बनना पड़ा, है ना, तो उनको क्रूर देख करके हंसा, क्यों, द्वेष है, वो ऋषि बहुत क्रूर है, है ना। जसुर की जो अप्सराएं वो हंसी अष्टावक्र मुनि को देख करके, तो उनको साप मिला क्या कि उनको असभ्य जो ग्वाले हैं वह अपहरण करेंगे उनका, तो ये द्वेष है, राग और द्वेष जो ना रहता है,
उसी प्रकार कानों के लिए भी राग और द्वेष है। अभी हरे कृष्ण महामंत्र का जी कीर्तन है तो कभी अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है ना। इसके बस में नहीं आना चाहिए, आप करते रहो। राग और द्वेष है, कभी आपको बहुत अच्छा लगता है कीर्तन, कभी अच्छा लगता है और कभी अच्छा भी नहीं लगता है, खराब भी नहीं लगता है, चलो ठीक है, और कभी खराब लगता है, द्वेष। तो मन की स्थिति हमेशा बदलती रहती है, राग द्वेष बन रहते। लेकिन नहीं, इसके बस में नहीं आना चाहिए, आप नियम का पालन करो, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है कि यही आपकी रक्षा करेगा, तो आपको इसमें लगे रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो राग द्वेष के बस में नहीं आना चाहिए, है ना। और कोई प्रश्न? इनका प्रश्न है कि जीव आत्माएं वैकुंठ लोक से आती हैं तो वहां तो गुणों का कोई प्रभाव नहीं है, तो कैसे भोगने की इच्छा होती है? नहीं, जीव आत्मा में भोगने की इच्छा नहीं होती, लेकिन जीव आत्मा चूंकि तटस्था प्रकृति है भगवान की, तटस्था प्रकृति होने का मतलब यही है कि कभी जीव में इच्छा होती है भगवान से स्वतंत्र होने की है। तो तटस्था प्रकृति होने के कारण उसकी ये शुद्ध स्थिति ही है ऐसी तटस्था, कि वो या तो भगवान के आश्रित होना चाहता है या भगवान से स्वतंत्र होना चाहता है या भगवान की तरह स्वतंत्र होना चाहता है, है? जैसे कि पुत्र जो है ना पिता की नकल करता है, पिता जो है ना सड़क पार करता है तो पुत्र भी सड़क पार करता है, लेकिन पुत्र जब सड़क पार करता है तो क्या होता है, दुर्घटना हो जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है और तो उसी प्रकार से जीव जो है वैकुंठ में भी क्या है, भगवान की तरह स्वतंत्र होना चाहता है, तो उसको फिर इस भौतिक संसार में गिरना पड़ता है। अब प्रकृति के संसर्ग में आकर के अब जो है ना उसका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो काम में बदल जाता है। इनका प्रश्न है कि स्वतंत्र होना भी तो काम है, स्वतंत्र ये जो है ना उसके अंदर जब इच्छा होती है स्वतंत्र होने की, तो एक प्रकार की जो है ना ये है नकल करना, है ना। तो ये तटस्था प्रकृति है, तटस्था प्रकृति में ये है, है ना। तो इच्छा तो जो है ना जीव को होगी, इच्छा के बिना जीवन नहीं है, है ना। तो वैकुंठ में इच्छा है, लेकिन जो इच्छा है तो या तो जो है ना कृष्ण की सेवा करने की इच्छा या फिर कृष्ण के समान स्वतंत्र होने की इच्छा, ठीक है ना। तो इच्छा तो हमेशा रहती है, लेकिन जो भगवान की आराधनी शक्ति है, राधा रानी है, इनमें कभी इच्छा नहीं होती भगवान से स्वतंत्र होने की, है ना। अंतरंगा प्रकृति जो राधा रानी है, भगवान राम के साथ सीता देवी हैं, तो ये कभी नहीं सोचती हैं भगवान से स्वतंत्र होने के लिए। लेकिन जीव जो है तटस्था प्रकृति होने के कारण कभी विचार करता है। इनका प्रश्न है कि यहाँ पर अर्जुन को युद्ध में अमंगल नजर आ रहे थे, तो जो कौरव थे अर्जुन के भाई, क्या उनको भी युद्ध में अमंगल नजर आ रहे थे? नहीं, अर्जुन को युद्ध में अमंगल नजर आ रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं हम, ये जो है ना जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं, सुख चाहते हैं उनको, तो वही अगर अपने राज्य को, सुख को, प्राणों को त्याग करके युद्ध भूमि में खड़े तो हम युद्ध क्यों करें। अर्जुन का जो अमंगल था वो ऐसा उनको लग रहा है कि हम क्यों युद्ध कर रहे हैं, हम तो इनके ही लिए चाहते हैं सुख, कुछ अगर मिले तो इनको हम सौंपें, अर्जुन के अंदर ये इच्छा है, लेकिन उनके अंदर ऐसी कोई इच्छा नहीं है। हाँ, अर्जुन के जो भाई थे धृतराष्ट्र के पुत्र। अब दूसरा प्रश्न है कि अर्जुन के जो पांडव भाई थे उनके अंदर कैसी भावना थी, वे युद्ध करना चाहते थे या नहीं? उस समय जब युद्ध शुरू हुआ उस समय तो अर्जुन को ही मोह हुआ, अर्जुन को ही मोह हुआ, और अर्जुन ने ही कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करिए भगवान कृष्ण से। तो बाकी युधिष्ठिर महाराज को जो है ना शोक हुआ युद्ध के बाद शोक हुआ, युद्ध के पहले शोक नहीं हुआ, है ना। और कोई प्रश्न? इनका प्रश्न है कि जो ब्रह्मचारी हैं उनको काम तंग करता है कि स्त्री सहवास करना चाहिए, इन जो गृहस्थ हैं क्या उनको भी काम तंग करता है? हाँ, कृष्ण भावनामृत के बिना जो है
जीवन नरक के समान है ना। तो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, ये जो काम है ये तंग करता है। और भगवान ने क्या बताया, धूमे ना नहीं दुष्पूरे ना न लेने चाह, है ना, दुष्पूर अग्नि के समान है। दुष्पूर अग्नि का मतलब है कि वो जितना उसमें घी डालो अग्नि में वो और मांगती है, और ज्यादा वो मांगती है, है ना। तो इसी प्रकार से काम की अग्नि जो है ना और बढ़ती जाती है। न जातो काम काम आनाम उपभोगे ने समय थी, हमेशा कृष्ण बढ़ते हैं भूए एवं भी बढ़ते। तो कामनाओं के भोग से कभी भी काम शांत नहीं होता है, बल्कि अगर घी की आहुति डाली जाए तो अग्नि और बढ़ती है। उसी प्रकार से तो किसी भी हालत में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है जब तक वो कृष्ण भावना भावित ना हो, है ना। तो मुख्य चीज यही है, गृह ठाको बने ठाको सदा हरि बोले ठाको। घर में रहो चाहे जंगल में रहो, मतलब चाहे गृहस्थ रहो चाहे ब्रह्मचारी रहो, सदा हरि का कीर्तन करो, है ना, इसी में सुरक्षा है। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि सौभरि मुनि जो थे उनको काम ज्यादा तंग कर रहा था या मछलियों को ज्यादा तंग कर रहा था? हाँ, ब्रह्मचारी जीवन में अगर भजन में बहुत बाधा पड़ रही है, है ना, तो उसको गृहस्थ बन जाना चाहिए। मुख्य चीज यही है कि जिस किसी प्रकार से भी व्यक्ति को अपने अपना मन भजन में लगाना है, है ना, तो गृहस्थ जीवन में अगर उसको सुविधा मिल रही है भजन करने की तो गृहस्थ बने, ब्रह्मचारी जीवन में सुविधा मिल रही है तो ब्रह्मचारी बने। मुख्य चीज यही है, अगर ब्रह्मचारी जीवन में अगर वो भजन कर सकता है भगवान का तो अच्छा है, है ना। लेकिन अगर भजन में बाधा पड़ रही है तो फिर वो गृहस्थ बने। लेकिन गृहस्थ में फिर और दूसरी प्रकार की चिंताएं पैदा होती हैं, दूसरी प्रकार की जो है तनाव पैदा होते हैं। लेकिन फिर भी गृहस्थ जीवन भी बहुत सफल होता है। बहुत से जो है ना वैष्णव आचार्य हैं हमारे, जो कि मतलब गृहस्थ जीवन में पूर्ण सफल थे, है ना। तो इसलिए मुख्य चीज़ तो भगवान की कृपा है। अगर भगवान की कृपा हो तो जो ना ब्रह्मचारी जीवन भी सफल है, गृहस्थ जीवन भी सफल है। और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके लिए फिर कोई नजर नहीं पड़ता है, वो ब्रह्मचारी रहना चाहें तो ब्रह्मचारी रहें और गृहस्थ बनना चाहें तो गृहस्थ बने। वानप्रस्थ में किसी भी आश्रम में रह सकते हैं, उनके लिए कोई सब छूट है, है ना, उनके लिए कोई अंतर नहीं है। तो तीनों गुणों से जब कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो फिर उसके लिए जो है ना कोई बंधन नहीं होता है, किसी भी आश्रम में कोई बंधन नहीं उसके लिए। और कोई प्रश्न? इनका प्रश्न है कि अगर दोनों भक्त हैं तो सुखदेव गोस्वामी और व्यास जी में अंतर क्यों देखा गया है? जहां तक शुद्ध भक्तों की बात है तो चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे सन्यासी हो, कोई अंतर नहीं है। बारह महाजन, जो बारह महाजन बताए गए हैं इनमें हमने विचार किया था तो छह गृहस्थ और छह ब्रह्मचारी, है ना। स्वयंभू नारद शंभू, स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी, है ना, कौन है, गृहस्थ ब्रह्मा जी, नारद ब्रह्मचारी हैं, शंभू गृहस्थ हैं, है? स्वयंभू नारद शंभू, कुमार चार कुमार ब्रह्मचारी, कपिल ब्रह्मचारी, है ना, कपिलो मनु और मनु गृहस्थ, प्रहलाद गृहस्थ, जनक गृहस्थ, प्रहलाद जनको भीष्म, भीष्म ब्रह्मचारी, बलिर बलि महाराज गृहस्थ, वैयासकी सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मचारी, और वयम यानी यमराज गृहस्थ, है ना। तो गृहस्थ भी ब्रह्मचारी भी, कोई अंतर नहीं। बारह महाभागवत है ना। और कोई प्रश्न? सुखदेव गोस्वामी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। सुखदेव गोस्वामी को अगर पुत्र हुआ या उनकी शादी हुई है तो कहीं पर बताया गया कि सुखदेव गोस्वामी ने अपनी छाया छोड़ दी थी व्यास जी के पास, तो छाया सुख था वो। जो भी हो, सुखदेव गोस्वामी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है, जो श्रीमद भागवत सुना रहे हैं, है ना। और कोई प्रश्न?
इनका प्रश्न है कि जब रजोगुण से काम की उत्पत्ति होती है तो रजोगुण से कैसे बचे। ये तीनों गुण प्रकृति के तीनों गुण जो है जो जीव है ये तीनों गुणों से बंधा होता है। और भगवान के रजस तमस चाभिभूय सत्वम भवति भारत है, रजस सत्वम तमस तमस सत्वम रजस था। तो कोई एक जो गुण है दो गुणों को दबा देता है, लेकिन जो जीव है ये तीनों गुणों से बंधा हुआ है, तीनों गुणों से बंधा हुआ है ना। लेकिन कभी रजोगुण है वो तमोगुण और सत्वगुण को दबा देता है, कभी सत्वगुण है तमोगुण रजोगुण को दबा देता है, कभी तमोगुण है वो सत्वगुण और रजोगुण को दबा देता है। इन तीनों गुण है इसमें। लेकिन फिर रजोगुण से कैसे ऊपर उठे है तो भागवत में लिखा हुआ है, नित्यम भागवत थे भैया नष्ट प्राय सुभद्र से नित्यम भागवत थे भैया भगवती उत्तम श्लोक है भक्तिर भवति नैष्ठिकी है। तो उत्तम श्लोक भगवान में नैष्ठिकी की भक्ति होती तथा रजस्तमो भाव काम लोभा देयस्ये चेत एतेर नाविद्धम इष्टम सत्वे प्रसिद्धि। तो समय रजोगुण तमोगुण के जो भाव है तो उनसे चित्त आविद्ध नहीं होता है और सत्वगुण में चित्त प्रसन्न हो जाता है ना। तो नित्यम भागवत से भैया तो मतलब भजन क्रिया के द्वारा अनर्थ निवृत्ति होगी। तो भजन क्रिया में कठोरता से नियमों का पालन करना, श्रवण कीर्तन में लगे रहना, ठीक है। और कोई प्रश्न? अच्छा मैं प्रश्न कर रहा हूँ, इसमें अर्जुन कह रहे हैं निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, कि जो निमित्त हैं इनको मैं विपरीत देख रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है? अर्जुन कह रहे हैं कि जो निमित्त कारण है इनको मैं विपरीत देख रहा हूँ। तो किसी भी कार्य के दो कारण होते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण क्या है? राज सुख भोगने की इच्छा, ये निमित्त कारण है ना। तो अर्जुन कह रहे हैं कि निमित्त कारणों को मैं विपरीत देखता हूँ, कि जो युद्ध हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, हम राज सुख के लोभ से युद्ध कर रहे हैं, तो निमित्त कारण विपरीत है हमारा, ये ठीक नहीं है, है ना। जबकि ये नहीं है निमित्त, भगवान ने भगवत गीता में फिर बताया अर्जुन को कि निमित्त कारण श्री कृष्ण का आदेश है, करिष्ये वचनम तव। धन्यवाद, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के जय।